दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018। तो दोस्तों, दो दिन पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जो संशोधित मेरिट लिस्ट की जो बात की जा रही है उसके संदर्भ में। लेकिन दोस्तों, 12 मार्च को वो वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था और उसमें आपको टाइम बताया था मैंने कि 2 घंटे बाद अपलोड कर दूँगा, लेकिन दोस्तों कुछ पारिवारिक रीजन से वो वीडियो आप लोगों को कल भी नहीं मिल पाई और आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आया हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से, नर्सिंग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे, कि मैंने आपको इंतज़ार कराया। इसके लिए सभी व्यूवर से, सब्सक्राइबर से माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं नर्सिंग भर्ती 2018 ANM और GNM का जो अपडेट है उसके मद्देनज़र। आप लोग, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे मिले हैं जब से ये बात चली है कि संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद से बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मिले हैं। और एक पूर्णतः विश्लेषण करने के बाद दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, 12 मार्च को जो संघर्ष समिति है नर्सेज भर्ती 2018 की, उनके द्वारा एक जानकारी दी गई थी और उस जानकारी में ये कहा गया था कि जो वेरिफिकेशन है विकलांग कैंडिडेट्स का, इसके अलावा दोस्तों जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र वाला जो मामला था, तो दोस्तों 279 कैंडिडेट और 298 कैंडिडेट, ठीक है, PH प्लस आपके कास्ट वाले। और कल भी एक वेबसाइट पर अपडेट किया गया था 182 कैंडिडेट OBC MBC के, बाकी जो बच गए हैं वो SC ST, ठीक है, उनका ये वेरिफिकेशन का मामला है। और अब विभाग की ये कोशिश है कि वो इनका जो कार्यक्रम है, इनकी जो जांचें हैं, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट का जांच है, विकलांग का जो मेडिकल है, उनको कराने के बाद वो एक लिस्ट जारी करे। तो उसके बाद चॉइस या POP जो भी है वो जारी करने की सोच रहा है। अब जब संशोधित मेरिट लिस्ट की बात दोस्तों आई है तो बहुत सारे हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो टेंशन में आ गए हैं, चिंतित हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं पहली बार कह रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बार मैंने ये चीज़ कही है वीडियो के अंतर्गत, किसी भी साथी को, चाहे हमारी बहनें हों चाहे हमारे भाई लोग हों, जिनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है संशोधित मेरिट लिस्ट से। अब देखिए दोस्तों, कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं जो वीडियो मैंने 12 मार्च को अपलोड किया था उसी से। अब देखिए दोस्तों, वो कमेंट खुद बे खुद ये कहानी बयां कर देंगे कि सच्चाई क्या है, संशोधित मेरिट लिस्ट में क्या चेंज होगा या नहीं होगा, वो पूरे के पूरे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छा फील करेंगे, ये मेरा दावा है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कमेंट्स किया था, सर हमारा तो हो गया था कास्ट सर्टिफिकेट और फाइनल लिस्ट में भी नेम था, फिर भी दोबारा नेम आ गया, क्या है सर ये, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इन्होंने कहा है कि इनका पहले से ही फाइनल लिस्ट में नाम था, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका नाम आ गया। पहला केस ये आप लोगों के सामने है। दूसरा है दोस्तों देखिए, देखिए यहाँ पर दोस्तों, सर मेरी मैम की भी दोबारा वेरिफिकेशन के लिए नाम आया है जबकि फाइनल लिस्ट में नाम है, ठीक है, मैंने रिट भी नहीं लगाई, अब मैं क्या करूं, ठीक है। दूसरा केस ये है आप लोगों का, इनका भी बुलाया गया है कास्ट का वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो इनका पहले से ऑलरेडी यहां पर नाम है इस लिस्ट में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखिए, ये देखिए बहन जी, सर मेरा फाइनल लिस्ट में नेम आ गया था और दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, अब क्या करें, प्लीज रिप्लाई। तो इनका भी ये थर्ड नंबर का केस है जिन्होंने कहा है कि उनका फाइनल लिस्ट में पहले से नाम है और कास्ट के वेरिफिकेशन के लिए इन्हें बुलाया गया है, ठीक है दोस्तों। एक और सबसे बड़ा अपडेट जो है वो देखिए दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए देखिए, मिस्टर हिमराज वर्मा, SC में 42.80 बन रही है और दोबारा कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों ये कमेंट आप लोग खुद देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि 42.80 इनका ANM का मामला है, इनका फ़ोन कॉल्स भी मेरे पास आया था, मैंने इनसे बात भी की थी, और इनका जो मामला है ANM का है,
ठीक है। और उसमें क्या हुआ है दोस्तों, इनकी जो कट ऑफ आप लोग देख रहे होंगे तो ANM में जो कट ऑफ 43 से पार गया था, ANM में SC का, ANM में SC का कट ऑफ 43 से पार गया था, जबकि इनके तो 43 यानी कि ये कट ऑफ में भी शामिल नहीं है, फिर भी इनका नाम जो कास्ट वाली जो लिस्ट है उसमें आया है। ठीक है दोस्तों, ये चौथा केस आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब देखिए पांचवा आप लोग देखिए, सचिन वर्मा जी का कमेंट्स था अपने वीडियो के ठीक नीचे, फाइनल लिस्ट में नेम था लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, उनको कब बुलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी इनका है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, फाइनल लिस्ट में नेम था। ठीक है, तो इनका भी केस आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ANM में रिजर्व पोस्ट 175 पोस्ट हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी कैलकुलेट किया हुआ है चिकित्सा विभाग ने किस कैटेगरी के कितने रिजर्व सीटें हैं। GNM की हम बात करें 170 सीटें उनके पास अभी बची हुई हैं, डिपार्टमेंट के पास कैलकुलेशन इनका भी किया गया है किस कैटेगरी की कितने सीटें इन्होंने रिजर्व रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कमेंट्स थे, कुछ आपके डाउट्स थे। अब इनका जो फाइनल विश्लेषण है, इसके अलावा दोस्तों मुझे व्हाट्सएप और जो फ़ोन कॉल्स के द्वारा कल भी एक फ़ोन मुझे मिला था, उन बहन जी के 58% हैं, ठीक है, ANM में, लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया है कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के आएं, जचवाएं उनको, जबकि उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हो रहा है। अगर हम ANM की बात करें, ऐसी ही हालात कमोबेश GNM कैटेगरी में भी है, GNM भर्ती में भी है, तो दोनों ही भर्तियों में ये यहाँ पर सिचुएशंस बनी हुई हैं। जिनका लिस्ट में नाम है उनको भी बुलाया गया है, जिनका कट ऑफ से कम नंबर है उनको भी बुलाया गया है। ये तो हो गई आपकी कास्ट वाली बात। दूसरी बात करें दोस्तों हम PH कैंडिडेट्स की, ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों PH कैंडिडेट्स हैं जो गए हैं कोर्ट कचहरी के माध्यम से, इनको ऑर्डर मिला है, तो इनमें भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कट ऑफ से कम मार्क्स हैं, फिर भी इनको बुलाया गया है इनकी मेडिकल जाँच के लिए। तो ये कहानी है पूरी की पूरी आप लोगों के लिए कि जिनके कम नंबर हैं उनको भी बुला लिया गया, जिनका फाइनल लिस्ट में नाम है उनको भी बुला लिया गया। तो ये कहानी है। अब संशोधित जो मेरिट लिस्ट आएगी उसकी मैं बात कर लेता हूं कि क्या मेरिट लिस्ट चेंज होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। लगातार इस चीज़ को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे हैं, दो दिन के अंदर इतने फ़ोन कॉल सुने हैं दोस्तों कि पूछिए गामत आप कि क्या कहानी बनी है मेरी। हर दो मिनट, पाँच दस मिनट में फ़ोन कॉल सारे और एक ही सवाल है कि क्या मेरिट लिस्ट चेंज होगी। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, इसको लेकर के आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन भी बच्चों का, महिला और पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम है, उनको कतई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा, कोई भी अभ्यर्थी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे ANM का हो चाहे GNM का, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका नाम कहीं पे भी बाहर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। इस लिस्ट में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उनकी मद्देनज़र जहाँ तक मेरा आकलन कहता है, क्योंकि दोस्तों 175 सीटें इतनी बची हुई हैं, वो भी अगर उनको दे दें, और कुछ ऐसे भी नाम है जिनका दोबारा से भी करवा रहे हैं जबकि फाइनल लिस्ट में नाम है, तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है इन वेरिफिकेशंस की वही है, फिट बैठ रही है। तो किसी भी अभ्यर्थी का नाम, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि किसी भी अभ्यर्थी का नाम जो फाइनल लिस्ट में आ चुका है उनका नाम बाहर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन ना करें। इसके अलावा एक और सवाल दोस्तों आप लोगों का रहा है, अब इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो एक ही कमेंट करेंगे, साहब ANM की ज्वाइनिंग कब होगी, सर GNM की ज्वाइनिंग कब होगी। देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग देना चिकित्सा विभाग का काम है, और आप सब वाफिक हैं कि हमारे देश में रोजगार, बेरोजगारों की क्या हालत है। तमाम सरकारें ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं है कि यही सरकार कुछ कर रही है, तमाम स्टेटों के अगर आप उदाहरण लेंगे तो कमोबेश यही हालात हैं कि बहुत पुरानी पुरानी वैकेंसियां जिनके आज तक वो पूरी नहीं हो पाई हैं। इसलिए दोस्तों, अगर चिकित्सा विभाग इन
वेरिफिकेशन वालों का पोस्ट रिजर्व रख के अगर कुछ करे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा दोस्तों वेट आप लोगों को करना होगा। जितने दिन और वेट किया है, इतने पिछले साल 2018 की वैकेंसी से अब तक आप लोगों ने वेट किया है, तो एक महीना कमोबेश आप और इंतज़ार कर लीजिएगा। और बिल्कुल भी कोई भी बच्चा गलत स्टेप उठाने से बचे, इस चीज़ को टेंशन ना ले। सभी का जिनका लिस्ट में नाम है सभी सेलेक्ट होंगे, सभी की जॉब लगेगी, सभी की नौकरी लग चुकी है, इसलिए दोस्तों आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो। और फिर भी भाई अगर किसी को चिंता हो रही है लिस्ट को लेकर के कि सर हमारा लिस्ट कहीं दोबारा जब अगर मेरिट आए तो कहीं बाहर ना हो जाए, तो मुझसे आप बेझिझक कॉल कर लीजिएगा, आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। और आप लोगों की जो सिचुएशंस है पोस्टिंग को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा संजीदा और कहीं ज़्यादा मुझे ये लगता है कि आप लोगों की पोस्टिंग सबसे जल्द हो। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और बिल्कुल भी चिंता ना करें, जिनका लिस्ट में नाम है कोई भी बाहर नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी कहानियां बची नहीं हैं इस वैकेंसी में कि आप लोगों को बाहर करके और बच्चों को इसमें शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बच्चा उदास ना हो, निराश ना हो, और फिर भी आपको लगता है कि भाई हमारी तो टेंशन ही नहीं जा रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर आप लोगों के पास होगा, एक दूसरे से आप शेयर कर सकते हैं नंबर, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग निराश ना हो, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ये था दोस्तों हमारे पूरे वीडियो का विश्लेषण, आप लोग इस पर गौर करिएगा। और बिल्कुल भी मेरा फिर से निवेदन, लगातार मैंने 4-5 बार इस वीडियो में ये बात कही है कि बिल्कुल भी चिंता करने की किसी भी महिला और पुरुष अभ्यर्थी, चाहे एनएम का हो चाहे जीएनएम का, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हैं वो करते रहिएगा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अदर एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ बीएड भी जिन्होंने कर रखी है और रीट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो करते रहिएगा। कुछ जॉब पर लगे हुए हैं तो जॉब को भी आप अपने हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है। जो कुछ भी होगा सबसे पहले अपडेट आप लोगों को मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के साथ। और दोस्तों माफ़ी चाहूँगा आपको, मैंने एक दिन का वेट कराया वीडियो के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण वीडियो कल भी नहीं आ पाई थी, और आज मैंने आप लोगों के लिए सुबह सुबह ये वीडियो आप लोगों को दे दी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो लंबी हो गई होगी इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दोस्तों पूरी की पूरी बात मैंने आप लोगों को समझा दी है, यही सच है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएँ, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।